हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आप सभी को मेरे साइड से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मकर संक्रांति है। बोलते हैं कि हिंदू धर्म में आज से ही नव वर्ष की शुरुआत होती है, मीन्स कि जब 1 जनवरी से हमारा नव वर्ष की शुरुआत नहीं होती, बल्कि 14 से, या इस बार तो 15 को है मकर संक्रांति, वैसे 14 तारीख से हमारा नववर्ष स्टार्ट होता है। तो आज जितने भी शुभ काम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी सुबह के टाइम पे इरा इव्या जस्ट खेल रहे हैं, इनकी मालिश वालिश हो गई है, इनका ब्रेकफास्ट भी हो गया है। तो हम सब नहाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि आज नहा कर दान करना बहुत ही शुभ होता है। तो बस दान की तैयारी होने वाली है, तो हम सब जस्ट रेडी होकर नीचे जाने वाले हैं, और पूजा करने के बाद हम तिल और गुड़ और ये खाकर शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे दान का सारी सामग्री रखी हुई है, तो ये जितनी भी साड़ियाँ हैं और दान की चीज़ें हैं वो हम टच करेंगे। उसके बाद फिर ये मंदिर पे जो भी गरीब होते हैं उनमें ये बटेगा, तो मेरे हस्बैंड ले जाएंगे इसे बांटने के लिए। तो अभी व्यान सर जस्ट दादी के पास आया है, पूजा कर रही थी, तो ये टच कर रहा है सारा चीज़। फिर ईरा से भी टच करवाई जाएगी, और हम सब टच करके एक कपड़े और जितने भी अनाज और जो भी आप दान करना चाहते हो, सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ जो आप दान करना चाहते हो वो आज दान कर सकते हो, चाहे वो न्यू कपड़े हों पुराने कपड़े हों। तो आज गरीबों में बांटना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बस वही जा रहा है। तो ये हर साल होता है हमारे घर में, तो ये हमेशा से हम इस चीज़ को तो हमेशा से ये चीज़ हम करते आए हैं। तो ईराई में दादी के साथ पूजा कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी स्मितास लाइफ की साइड से शुभकामनाएं। तो आपका कैसा रहा मकर संक्रांति ज़रूर बताना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ मैक्सिमम शेयर एंड सब्सक्राइब करवाओ। तो यहाँ पे हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट चल रहा है, जो एज अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स हम पूरा दही चूड़ा और जो भी तिल और गुड़ होती है वो सारी चीज़ें खा रहे हैं। तो ये इवेंट तैयार होके मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पीरा छोटी दी के साथ मस्ती के मूड में है, और छोटी दी जा रही है टेलर के पास, क्योंकि मेरी छोटी बहन सुप्रिया का शादी का डेट काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो हमारी तैयारी अब स्टार्ट हो चुकी है। तो शाम का टाइम हो चुका है, और सुबह से हम चूड़ा और यही सब चीज़ पोहे ये सब खा के थे। तो अभी सबको भूख लगी थी, क्योंकि खिचड़ी तो जनरली रात में ही बनती है। तो मैंने सोचा कि कुछ मैं स्टार्टर जैसा बनाऊं, तो मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम का चिली एंड बेबी कॉर्न चिली। साथ में मैं बनाऊंगी बारबेक्यू कॉर्न, एंड पकौड़े भी बनेंगे एंड चाय। तो अभी जस्ट प्रोसेस स्टार्ट किया है मैंने। तो यहाँ पे मैं मशरूम को बॉयल कर रही हूँ, ये फ्रोजन था, मतलब मैं मशरूम ला के फ्रीजर में रखी थी, इसलिए इसका थोड़ा सा टेक्सचर ब्लैकिश आ गया, क्योंकि अगर आप मशरूम को रख देते हो तो थोड़ा सा वो अपना कलर चेंज कर देता है। तो मैं उसको बॉयल कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब आप मशरूम चिली बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है मशरूम को। बैटर के लिए मैंने मैदा और कॉर्नफ्लावर इक्वल प्रोपोर्शन में लिया है, और यहाँ मशरूम को मैं कट करती हूँ, और मैंने बैटर में थोड़ा सा सोया सॉस एंड नमक एंड ब्लैक पेपर पाउडर मिलाया था, और अब मैं इसमें डीप करके इसको डीप फ्राई करूँगी। डीप फ्राई करने हेलो गाइस, तो जैसा कि आपने देखा मैं बना, आज मकर संक्रांति है, तो सुबह से हमने जो भी चीज़ खाते हैं ना, वो सारा चूड़ा दही तिल का लड्डू, तो वो सारी चीज़ें खाई थी। तो शाम को सबको भूख लग गई है, तो चांदनी गोभी के पकौड़े बना रही है, और मैं यहाँ पे बेबी कॉर्न चिली
एंड यहाँ पे मैं मशरूम चिली बना रही हूँ। तो मशरूम चिली ऑलमोस्ट हो गया है, मैं दिखाती हूँ आपको। ऑलमोस्ट बन के तैयार है, बस थोड़ा सा इसमें मैं बेबी कॉर्न चिली भी मिलाऊँगी। फिर मैंने यहाँ पे कॉर्न को रखा है, ये तो मैं थोड़ा सा बारबेक्यू कॉर्न भी बना रही हूँ। हाँ हो गया, इसको डालते हैं। तो यहाँ पे मशरूम चिली बनके तैयार है। मैंने डीप फ्राई करने के बाद मशरूम को कढ़ाई में ऑयल गरम किया और जैसे अदर चिली बनाते हैं जस्ट वैसे ही सेम प्रोसेस में बनाया। मैंने अदरक लहसुन का कूटा हुआ अदरक लहसुन ढेर सारा डाल के उसको फ्राई किया। देन मैंने उसमें शिमला मिर्च एंड प्याज को सॉटेड किया, हाफ सॉटेड किया। देन सारे सॉस ऐड किए, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर भी डाला है थोड़ा स्पाइसी होने का। देन मैंने इसमें अपने फ्राई किए हुए मशरूम को ऐड किया और ऊपर से मैंने स्प्रैकल किया धनिया को। तो ये बनके तैयार है। साथ में यहाँ पे मैंने बारबेक्यू बेबी कॉर्न भी बनाया है, इसकी रेसिपी मैं बाद में शेयर करूँगी आपके साथ। साथ में पकौड़े भी बनके तैयार हैं, ये वेज पकौड़े हैं। और हमारा चाय भी रेडी है। तो खिचड़ी, रात में हम लोगों ने खिचड़ी खाया और इस तरह से अपनी मकर संक्रांति सेलिब्रेट की। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया ज़रूर से कमेंट में बताना। तो इस तरह से मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। बाय, गुड नाइट, सबा केयर एंड स्वस्थ रहो, घर पे रहो, मस्त रहो और लाइफ को एंजॉय करो। तो और हाँ, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन को हिट करना भी मत भूलना। ओके, बाय बाय। Thank you.